हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है मूलभूत गणितीय अवधारणा, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम बेसिक मैथमेटिक्स का जो क्लास चला रहे हैं फिजिक्स का, उसमें मूलभूत गणितीय अवधारणा में सदिश का दूसरा पार्ट। सदिश के पहले पार्ट में मैंने आपको सदिश का बेसिक फंडामेंटल, सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, और एक बताया था टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी को एक्चुअल में प्रदिश बोला जाता है, उस दिन मैं हिंदी नहीं बता पाया था। तो इनका जोड़ना और समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम, मतलब किस तरह से इसको जोड़ा जाता है, घटाने का तो होता नहीं, माइनस को जोड़ना घटाना। आज हम पढ़ेंगे इनका गुणा। ये बात ध्यान में रखना आप, जो मैंने बोला था टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी इसको बोलते हैं प्रदिश, हिंदी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, ये है प्रदिश, बहुत कम यूज़ होता है करके ध्यान में नहीं आता, प्रदिश राशि कहा जाता है इसको। और मैंने उस दिन क्लास में आपको समझा दिया था कि प्रदिश राशियों का क्या मतलब होता है, ऐसी भौतिक राशियां जो कभी कभी किसी परिस्थिति में सदिश और कभी अदिश की तरह, मतलब नॉट डिटरमाइंड, ठीक से डिटरमाइंड नहीं रहता, निश्चित नहीं रहता, वो प्रदिश है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं सदिशों का गुणा। देखिए सामान्य बीजगणित में आप सबको पता है गुणा, आपको सबको पता है, ठीक है, सदिशों का गुणा, सदिशों का गुणा दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये हमको पढ़ना है। सामान्य बीजगणित में यदि हम गुणा की बात करें तो आप सबको पता है कि गुणा सामान्य रूप से मैं बोलूं 4 × 3 तो बोलोगे सर 12, लेकिन सदिश बीजगणित में गुणा इतना साधारण तरीके से नहीं होता। गुणा करने के इसमें कुछ रूल्स हैं और गुणा करने की इसमें दो विधियां हैं, तो बारी बारी से हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला विधि जो है गुणा करने का, वो कहलाता है अदिश गुणा। सदिशों का गुणा में पहला है अदिश गुणा। देखिए एक चीज ध्यान में रखना, स्केलर प्रोडक्ट, ये जो सदिश का गुणा वगैरह अपन पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। खासकर जो स्टूडेंट अभी टेंथ क्लास पढ़ के 11th क्लास में आए हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोग 11th के बाद 12th पहुँच गए हैं वो तो सदिश गणित में पढ़े होंगे, लेकिन उसमें भी जो बायो के स्टूडेंट हैं और जिन लोग नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बिना उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सदिश और इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूँ कैलकुलस, कलन, ये दोनों आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये जितना स्ट्रांग होगा आप फिजिक्स उतना अच्छा कर पाएंगे, क्लियर। तो अदिश का गुणा अदिश गुणा कहलाता है। अब ये अदिश गुणा होता क्या है, देखो यहाँ पर सपोज करो कि ये कोई एक सदिश राशि है ए और ये एक दूसरी सदिश राशि है बी, ये दो सदिश राशियां हैं और इन दोनों सदिश राशियों के बीच के कोण को हमने मान लिया थीटा, ए और बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। अब इनका जो अदिश गुणा होगा वो किस प्रकार से होगा, इसको हम प्रदर्शित करते हैं ए और बीच में डॉट का निशान और बी, ये जो डॉट है वो संकेत है अदिश गुणा का। सामान्य गणित में, सामान्य जो बीज गणित है उसमें अपन एक्स इंटू वाई लिखते हैं और x क्रॉस y लिखते हैं, दोनों का मतलब x y होता है, आपको पता है दोनों अलग अलग चीज़ नहीं होते, लेकिन सदिश बीजगणित में दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, इन्हीं चीज़ों को अपने को समझना है। तो यहाँ पर हम डॉट का निशान लगाते हैं, ये ओनली एक संकेत है बस, अदिश गुणक में डॉट लगाते हैं और इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। वैसे सबसे ज़्यादा हम इसका जो कॉमन नाम है वो यही है डॉट प्रोडक्ट, ज़्यादातर हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, तो समझ में आपको आ जाना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणा के बारे में बात हो रहा है, क्लियर। अब इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए ये सदिश ए का मापांक इंटू सदिश बी का मापांक और इंटू कॉस थीटा, ये इसका फार्मूला है। तो ये होता है इसके गुणा का फार्मूला, अदिश गुणा का सूत्र है, जहाँ पर ये दोनों मापांक हैं जिसको हम लिख सकते हैं स्केलर ए अदिश ए और बी और कॉस थीटा, और ये जो वैल्यू आता है फाइनली गुणा करने के बाद जो मान आता है वो मान हमेशा क्या होता है, अदिश राशि होता है, और यही कारण है कि हम इसको अदिश गुणा कहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि दो सदिशों का जो अदिश गुणा है
वह अदिश राशि होता है और ये इसको निकालने का फार्मूला है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं आई कैप जे कैप और के कैप। तो यहाँ पर मैं आपको इसको पढ़ाने के बाद आई कैप जे कैप के कैप मतलब जो यूनिट वेक्टर मैंने पढ़ाया था आपको एकक सदिश उसके बारे में पहले जानकारी दे दूँ फिर अपन क्या गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देना एक्स ये नोट करके लिखना आप ठीक है नोट एक्स वाई तथा जेड अक्ष के एकक सदिश ये हमको जानना जरूरी है कि एक्स वाई तथा जेड अक्ष के एक एक सदिश क्या होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर सपोज ये तीन अक्ष हम ले लिए इस तरह से इसको ले लिया हमने एक्स एक्सिस इसको ले लिया हमने वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। अब ये जो तीन अक्ष होते हैं ये इसका मूल बिंदु है ओरिजिन है ये। तो तीनों अक्षों के जो एकक सदिश हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो सब अलग अलग होते हैं इनके सब के संकेत अलग अलग होते हैं। तो एक्स अक्ष का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं ये है आई कैप और ये उसका संकेत है। वाई अक्ष का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं ये और जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई कैप जे कैप और के कैप क्रमशः एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के एकक सदिश होते हैं। अब यहाँ पर देखो मान लो ये तीन विमाओं में सपोज ये कोई बिंदु पी है और इस बिंदु P का सपोज निर्देशांक है x, y और z। अब इसको हम O से P को मिला दें तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा सदिश OP विस्थापन ये पोजिशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश OP मिल जाएगा और इसको हमने प्रदर्शित कर दिया सपोज वेक्टर R से तो उसका मान क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखो सदिश OP जिसको हमने मान लिया है सदिश R तो इसको किस प्रकार से लिखा जाता है इसका x निर्देशांक के साथ में गुणा होगा उस अक्ष के एक एक सदिश का मतलब यह हो जाएगा x i कैप प्लस इसके y निर्देशांक के साथ y अक्ष का यूनिट वेक्टर का गुणा होगा तो हो जाएगा y j कैप और यह हो जाता है z k कैप। इस प्रकार से तो हम किसी बिंदु का निर्देशांक हमको पता हो तो उसकी सहायता से हम उसको सदिश के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि हम इसका मापांक निकालना चाहें सपोज हम इसका मापांक निकालना चाहते हैं तो मापांक निकालने के लिए करेंगे मॉड ऑफ वेक्टर आर और वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर आर का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा अंडर रूट आई जे और के गुणांकों के वर्गों का योग मतलब ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये होता है आर निकालने का फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपको बताऊँ कि सपोज हमारे पास कोई सदिश आर है क्लियर और उसका जो स्थिति सदिश है वो सपोज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ऐसा है और उसका यदि मेरे को मापांक निकालना है तो मापांक उसका कैसे निकलेगा मापांक r इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 2 का वर्ग 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इक्वल ये हो जाएगा 4 धन 9 धन 16 क्लियर That means root of 29 ये इसका आंसर होगा। इस प्रकार से हम इसका मॉडुलस वैल्यू या मापांक मान निकालते हैं। तो ये मैंने आपको बताया ये इसलिए हमको जानना जरूरी है कि अभी हम क्या करेंगे इन एकक सदिश का गुणा करेंगे आपस में तो आपको पता होना चाहिए कि आई कैप जे कैप और क्या के कैप क्या है। एक एक सदिश में पढ़ाया था लेकिन वहाँ पर मैं बोला था कि उसको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे तो ये आप नोट करके रखेंगे। इसके बाद मैं इसको मिटा रहा इरेज कर रहा हूँ और फिर हम ये जो तीनों एक एक सदिश हैं आई कैप जे कैप और के कैप इन तीनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे क्लियर। तो ये मैं फिगर को रख रहा हूँ बाकी इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो ये जो हमारे पास एक एक सदिश है इस एक एक सदिश का जो एक एक सदिश हमने लिखा आई कैप जे कैप के कैप इनका हम निकालते हैं प्रोडक्ट ठीक है। तो एक एक सदिश के यदि हम गुणा करें अदिश गुणा करें तो पहला देखो स्वयं का स्वयं के साथ मतलब i का i के साथ में तो सपोज हम निकालना चाहें i कैप डॉट i कैप तो कैसे वो निकलेगा देखो यहाँ पर सूत्र में होता है इस सदिश का मापांक तो यहाँ पर क्या है इकाई सदिश है तो इकाई सदिश का मापांक एक होगा इसका भी मान एक होगा और सूत्र में होता है cos। अब देखो ये i है और एक और i मतलब दोनों i का डायरेक्शन x एक्सिस है तो i i के साथ स्वयं स्वयं के साथ कितना कोण बनाएगा
शून्य अंश का कोण बनाएगा तो हो जाएगा कास 0 डिग्री और दैट इक्वल ये कास 0 1 होता है तो पूरा क्या हो गया 1। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं जे डॉट जे इक्वल टू भी 1 और के डॉट के इक्वल टू भी 1। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमको पता चलता है कि स्वयं का स्वयं के साथ किसी एकक सदिश का खुद का खुद के साथ जो अदिश गुणा होता है, यहाँ अदिश गुणा की बात हो रही ना, वो क्या होता है एक के बराबर होता है। अब हम देखें एक का दूसरे के साथ में, सपोज हम उसका दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई करना चाहें तो सेकंड सपोज आई डॉट जे करना चाहें तो 1 × 1 × कास। अब यहाँ चित्र में देखो ये आई है ये जे है और दोनों के बीच का कोण कितना है 90 अंश, क्योंकि तीनों अक्ष आपस में लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर कास का वैल्यू कितना पुट हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हमको मिल जाएगा कास 90 0, तो पूरा हो गया 0। इसी प्रकार से यदि हम जे का के साथ करें तो भी 0 और यदि हम के का आई के साथ करें तो भी 0। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट पता चलता है कि यदि किसी एक एकक सदिश का दूसरे एकक सदिश के साथ में डॉट प्रोडक्ट किया जाए या अदिश गुणा किया जाए तो वो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। सपोज इसका हमने एक एग्जाम्पल देखा, मान लो अपने पास वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप है और एक सदिश है b, इसका मान है सपोज 4i कैप प्लस 2j कैप और ये है प्लस k कैप मान लो। अब इन दोनों का हमको करना है डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों के लिए हमको डॉट प्रोडक्ट करना है तो कैसे करेंगे, a डॉट b बराबर दोनों के मान को लिख देंगे इस तरह से 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप और डॉट हो जाएगा इसका तो हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। क्लियर। अब यहाँ गुणा कैसा होता है थोड़ा ध्यान समझना, वास्तव में गुणा तो सामान्य बीजगणित की तरह होता है, ये i कैप का इन तीनों के साथ में गुणा होगा, लेकिन आप यहाँ पर देखो कि i कैप का जब i कैप के साथ में गुणा होगा तब तो 1 होगा, लेकिन यदि हम इस i कैप का आगे j कैप के साथ में गुणा करें तो i का j के साथ गुणा क्या हो जाता है 0। तो इसके साथ गुणा नहीं करेंगे, वास्तव में हो रहा है लेकिन मान शून्य हो जा रहा है इसलिए हम उसको गुणा नहीं करेंगे, और उसी तरह से i का k के साथ भी गुणा क्या होगा 0 तो नहीं करेंगे। तो कुल मिला के हम सीधा क्या कह सकते हैं कि जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होता है तो i i के साथ, j j के साथ, k k के साथ मल्टीप्लाई होता है, बाकी के साथ भी होते हैं लेकिन मान शून्य हो जाता है। तो हम यहाँ पर गुणा करें, देखिए इस प्रकार से क्या होगा, जे का जे के साथ में गुणा करेंगे और के का के के साथ में गुणा करेंगे तो किस प्रकार से हमको मान निकल जाएगा 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस ये 1 ये 2 ये हो गया 2 माइनस 3 और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है तो हो गया माइनस 3 और ये कितना हो गया 10 में से 3 माइनस हो गया तो 7 ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ पर देखो ये जो 7 आया है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब दो सदिशों का अदिश गुणा किया जाता है तो मान क्या आता है अदिश, जैसे यहाँ पर क्या आया 7 आया। तो बहुत आसान है और इसका हमको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि आगे चल के जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं जैसे कार्य निकालना होता है, मान लो हमको कार्य निकालना है तो कार्य W बराबर F डॉट D होता है, तो वहाँ पर F बल है और D विस्थापन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ कार्य की गणना होती है। दैट मीन्स आपको बार बार एक बात मैं बोल रहा हूँ कि यदि गणितीय अवधारणा, यही जान है फिजिक्स का, यदि गणितीय अवधारणा आपका स्ट्रांग है तो आपको फिजिक्स में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आपके फिजिक्स की परेशानी का सबसे बड़ा जो कारण है वो है गणितीय अवधारणा का पुअर होना, इसलिए मैं वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल में इंग्लिश मीडियम में, उसके बाद भी मैं हिंदी मीडियम के लिए आप लोग के रिक्वेस्ट पर दोबारा बना रहा हूँ। खासकर मेरे ऐसे स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी करेंगे, जो बायो वाले हैं, उनको मैथमेटिक्स और कहीं पढ़ने को मिलता नहीं तो उनको यहीं से मिलेगा, यहाँ से आप बहुत स्ट्रांग करिए उसको, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आराम से इसको स्ट्रांग करिए। ये हो गया इनका अदिश गुणा। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, ये वाला पोर्शन मैं मिटा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सपोज दो सदिशों को लंबवत सिद्ध करना है, क्लियर, दो सदिशों को लंब सिद्ध करना है। यहाँ पर मैं एक नोट करके आपको दे रहा हूँ, इसको स्पेशली आप केयर करना नोट, दो सदिश लंबवत कब होते हैं, दो सदिश के लंब होने के लिए कंडीशन, ठीक है, सदिशों का लंबवत होना,
सदिशों के लंबवत होने का कंडीशन क्या है? जब ए डॉट बी क्या हो? जीरो हो। जब दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट जीरो आए तो दोनों सदिश क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। देयरफॉर इसको हम कह सकते हैं वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो सदिश जब लंबवत हो जाएंगे, यहाँ पर आप सूत्र में देखो, यदि ए और बी लंबवत हो जाएं तो थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा और कॉस 90 क्या होता है? जीरो होता है, इसलिए पूरा जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो सपोज हम इसका एक एग्जांपल ले लें, तो सपोज हमारे पास एक सदिश लेते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने लिया ए इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करें जीरो भी आ जाए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और एक सदिश और ले लिया, सदिश का ऐसा एग्जांपल लो कि दोनों गुणा करने से जीरो हो जाए, 2-4, 8 2-4 और 8, ये मैंने वैल्यू ले लिया। अब हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध कर रहे दोनों सदिश क्या हैं? लंबवत हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का गुणा करेंगे, a डॉट b इक्वल टू, a का वैल्यू ये है तो 2i कैप प्लस 3j कैप, मैंने नंबर ही ऐसा सेलेक्ट किया है कि ये गुणा होकर भी जीरो आ जाएगा, और डॉट ये है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप। अब हम इसका गुणा करें तो i का i के साथ में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4, इसके साथ गुणा होगा तो ऋण 12, और इसको मैंने 8 बना दिया है, प्लस 8, 8 4 12 का हो गया 0, इसलिए सदिश ए लंबवत हो गया सदिश बी के। बहुत आसान काम है, जैसे आपको बोले कि सिद्ध करो कि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, सिद्ध करो कि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों सदिशों का क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है, और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद उनका मान शून्य आ जाए तो सदिश क्या होते हैं? लंबवत हो जाते हैं। इस प्रकार से कई क्वेश्चन इसमें बनते हैं। वैसे इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा आगे, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो वहाँ आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर अदिश गुणा। अब हम पढ़ेंगे सदिश गुणा। तो सदिश गुणा के लिए देखिए, सदिश गुणा को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? देखिए, दोनों के प्रदर्शित करने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे हम पहचानते नहीं कि कौन अदिश गुणा है कौन सदिश गुणा है, इसी में मैंने करेक्शन कर दिया। सपोज ये सदिश गुणा, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट की जगह में क्या हो जाएगा? ये वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट नहीं कहते बल्कि इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में क्रॉस का साइन अपन यूज करते हैं। और यहां पर देखो ये फार्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है, यहां पर फार्मूला किस तरह से चेंज होएगा ध्यान देना, इसको हम लिखेंगे ऐसा ए और क्रॉस का निशान बी, ए क्रॉस बी, और इसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी और इंटू, यहाँ पर साइन थीटा होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर साइन कंपोनेंट को लिया जाता है लंबवत दिशा में। यहाँ पर आप देखो ये दोनों जब हल होंगे, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और इतना मान तो क्या है? अदिश होगा, क्योंकि ए बी और साइन थीटा का वैल्यू जब गुणा होगा तो अदिश राशि होगा। लेकिन यहाँ पर इसको लाना होता है सदिश। क्यों सदिश लाना होता है? क्योंकि सदिश गुणा है, मतलब इसका जो रिजल्ट है, इसका जो फाइनल रिजल्ट है, उसको क्या आना चाहिए? सदिश। इसलिए यहाँ पर क्या है? एन कैप का मल्टीप्लाई किया जाता है, एन कैप का, और एन कैप का जो डायरेक्शन होता है वह इन सदिशों के इस तरह से लंबवत दिशा में होता है, ये एन कैप है। अब ये आप समझ रहे होंगे कि एन कैप क्या फॉर्मेलिटी, इसको क्यों अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक्चुअल में वेक्टर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सपोज हमारे पास कोई एक एक सदिश है ए कैप, तो इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। यदि इसको हम सॉल्व कर दें, तो मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, तो वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा ए कैप इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि किसी एकक सदिश के साथ उसके मापांक का गुणा कर दिया जाए, देखो ये एकक सदिश है, ये उसका मापांक है, यदि किसी एकक सदिश के साथ उसके मापांक को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो रिजल्ट आता है वह सदिश होता है, ये सदिश है। अब यहाँ पर देखो ये तो पूरी अदिश राशि है, लेकिन इसके साथ में यदि हम क्या करें, इसका गुणा कर दें, यदि इसके साथ में हम एन कैप का गुणा कर दें, तो पूरा क्या बन जाएगा? ये सदिश बन जाएगा। तो इसको सदिश बनाने के लिए हम उसका गुणा करते हैं, जो कि फॉर्मेलिटी है। अब आप सोचोगे कि सर एन कैप का जबरदस्ती गुणा कर दें तो वैल्यू में तो फर्क पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह एकक सदिश है, और जैसे आप सामान्य बीजगणित में जानते हैं कि किसी भी संख्या के साथ, मान लो मेरे पास चार है, इसके साथ गुणा एक कर दूंगा तो चार ही होगा, मतलब एक का गुणा कहीं भी किया जा सकता है। वैसे एन कैप का गुणा हम यहां पर करते हैं सिर्फ इसको क्या बनाने के लिए, सदिश, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर। लेकिन ये लिखना जरूरी नहीं होता, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये वन है, वन मल्टीप्लाई होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं होगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया इसका फार्मूला। अब हम यहां पर देखते हैं कि किस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, इनका गुणा कैसे करते हैं। तो पहला इनका प्रोडक्ट अपन स्वयं के साथ में करते हैं, आई कैप क्रॉस आई कैप। तो यहाँ पर देखो वन इंटू वन और इंटू यहाँ पर साइन जीरो डिग्री हो जाएगा खुद के साथ में, और साइन जीरो जीरो होता है तो क्या हो गया, ये जीरो हो गया। अब आगे यदि हम जे के साथ में जे का गुणा करें तो भी जीरो होगा, और इसी तरह से यदि हम के साथ में के का गुणा करें तब भी जीरो होगा। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट हमको मिलता है वो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट में स्वयं के साथ में गुणा जीरो होता है, जबकि आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा कि स्वयं के साथ स्वयं का जो गुणा क्या था वो वन था। अब हमें देखें दूसरे के साथ में, तो दूसरा सपोज हम इसको करते हैं आई का गुणा करते हैं जे के साथ में, तो वन इंटू यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आई और जे के बीच में 90 अंश का कोण है, तो साइन 91 होता है तो ये क्या हो गया, वन, मतलब डॉट के जस्ट अपोजिट होता है यहाँ पर। और इसी तरह से यदि हम कर दें जे के साथ में के का गुणा कर दें वो भी वन होगा, और के साथ में यदि हम आई का गुणा कर दें तो वो भी वन होगा। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखना, क्योंकि इसी के बेस पर गुणा होता है, ठीक है। अब हम इसके गुणा का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम किस तरह से इसका गुणा करते हैं। तो सपोज मैंने एक सदिश माना, सदिश ए इक्वल आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, और एक सदिश लिया बी इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप। ये मैंने दो सदिश ले लिया। अब इन दोनों सदिशों का करना है हमको क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जब हम इसका करेंगे ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर हमको एक नया मैथमेटिक्स पढ़ना होता है जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। और इसको लिखने का तरीका है ये दो समानता रेखाएँ, ये नया मैथमेटिक्स है। इन्हीं बातों को आपको बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट मैथ्स लिया हुआ है और ट्वेल्थ क्लास में है, तो ट्वेल्थ में पूरा सारणिक का एक चैप्टर है, तो यहाँ तो फिजिक्स में काम चला लेगा। लेकिन जो स्टूडेंट बायो लिया हुआ है तो सारणिक का नाम नहीं सुना है, या जो अभी इलेवंथ क्लास में आया है वो भी सारणिक पहली बार सुन रहा है, तो इनके लिए जरूरी है कि इन चीज़ों को समझना। तो यहाँ पर जो गुणा करने का पद्धति है उसको बोला जाता है सारणिक विधि, सारणिक इंग्लिश बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स या सारणिक, और यही सारणिक है जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। सारणी के रूप में लिखना, यदि मैं इस क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से सारणी के रूप में लिखना सारणी कहलाता है। और लिखते कैसे हैं देखिए, सबसे पहले आई जे के को इस प्रकार से क्षैतिज लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप। इसके बाद इसका गुणांक कुछ नहीं है, मतलब वन है, इसका गुणांक दो है, और यहाँ पर क्या है माइनस वन है, और यहाँ पर देखो ये टू और ये थ्री और ये फाइव, इस तरह से है। अब हमको इसको गुणा कैसे करना होता है, यहाँ पर जो क्षैतिज लिखा गया है उसको हम रो बोलते हैं, रो माने पंक्ति, ये पंक्ति कहलाता है, और जो इस तरह से लिखा गया है उसको कॉलम कहते हैं माने स्तंभ, ये ध्यान रखना रो और कॉलम। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पर एक बार में ही समझ में आने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करना ढंग से। सबसे पहले हम ये पहले एलिमेंट के लिए सॉल्व करते हैं, मतलब आई कैप के लिए। तो आई कैप के लिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आई कैप और अंडर ब्रैकेट, फिर क्या होता है ये थोड़ा ध्यान देना, उस रो और उस कॉलम को छोड़ देते हैं, ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे जहाँ पर वो उपस्थित है क्रॉस में। तो ये चार एलिमेंट बचेंगे जिसमें इस तरह से गुणा होता है, इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा। तो गुणा होगा कैसे लिखेंगे, अभी मैं डिटेल में लिख देता हूँ, टू इंटू फाइव मतलब टू इंटू फाइव और माइनस माइनस वन इंटू थ्री, ऐसा ब्रैकेट में लिख देंगे, क्लियर। इसके बाद हम लिखेंगे जे। अब हम जे के लिए सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना, जब जे के लिए सॉल्व करते हैं तो फार्मूला में क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। तो जे के लिए सॉल्व करेंगे तो अब हम इसको आप हटा दिए, ये ऐसा मैं समझाने के लिए घेर रहा हूँ आपको ना, बाकी ऐसा जरूरत नहीं होता है, प्रैक्टिस के लिए हाईलाइट करने के लिए। अब हम जे के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो जे का कॉलम और जे के रो के एलिमेंट्स छूट जाएंगे, तो चार एलिमेंट आपको बचा, इनका गुणा कैसे होगा, इसका इसके साथ में होगा, तो वन क्रॉस फाइव और माइनस, ये होगा माइनस वन इंटू टू, तो माइनस वन इंटू टू,
इस तरह से हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद फिर हो जाएगा जे के बाद में के, तो के कैप, के कैप का जब मल्टीप्लाई होगा तो आप एक के वाले कॉलम को छोड़ देंगे इसको, तो ये चार बचेंगे, माने 1 × 3 और -2 × 2। इसको आगे साल्व कर लिया जाए तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इसको, देखिए ये हो जाएगा 10 और माइनस माइनस प्लस 10 + 3 मतलब 13, 13 आई कैप माइनस, यहाँ पर देखो ये हो गया 5 -× - प्लस और 5 + 2 ये 2 आएगा तो 7, तो -7 जे कैप और यहाँ पर देखो 3 - 4 तो ये माइनस आएगा, 3 - 4 मतलब माइनस, ठीक है, तो माइनस के कैप, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये फाइनल रिजल्ट को देखो ये किस फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वो सदिश रूप में आएगा। तो ये है दो सदिशों का सदिश गुणा। तो यहाँ पर मैंने गुणा का, मैं पहले से आपके लिए प्लानिंग किया था कि एक दिन योग को समझाऊंगा एक दिन गुणा को, क्योंकि दोनों के लिए मिक्स कर देता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये जो बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो छोटा छोटा बताऊंगा ताकि आपको एक एक टॉपिक पर अच्छे से कमांड होता जाए। तो आज आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो बहुत अच्छे से देखने के बाद कुछ क्वेश्चन की सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपको फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है। ओके, थैंक यू।